खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। कहते हैं एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत में कृषि की जो है ना अत्यधिक प्रमुखता है, लोग की जो सबसे सर्वोत्तम जो उनका कार्य होता था वो कृषि होता था। और महाकवि घाघ ने भी कहा है, उत्तम खेती मध्यम बाण निषिद्ध चाकरी भूख निदान, अर्थात खेती सबसे सर्वोत्तम होती है, उसके बाद जो आपका जॉब होता है वो निषिद्ध होता है, और जो भीख होता है वो सबसे बुरा कार्य होता है। और यही कारण रहा, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहा गया, और भारत में लगभग बहुत सारे लोगों ने कृषि की। लेकिन अगर अब की आप रेशियो में देखेंगे तो कृषि का जो रेशियो है वो लगातार गिरता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन में लगभग 2000 किसान अपनी खेती छोड़ता है, और कई सारे लोग अपने जीवन की लीला को समाप्त करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें कि आखिर क्या वजह है कि भारत के जो किसान हैं वो कृषि छोड़ रहे हैं, क्यों अपने आप को वो सुसाइड करना चाहते हैं, तो उसके कई सारे कारण निकल के आते हैं, जिसमें से दो कारण मुख्य रूप से सामने आता है। पहला है कि सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी करना, दूसरा है भूमाफियाओं का बढ़ता प्रकोप। जी हाँ, भूमाफियाओं के कारण ही बहुत सारे किसान हैं जो खेती को छोड़ने पर मजबूर हैं। और आज हम ऐसे ही एक कहानी को लेकर आपके सामने आए हैं जो कि वाराणसी के DLW परिक्षेत्र स्थित एक गांव की है, जहां पर भूमाफिया के प्रकोप से एक किसान अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये एक ऐसे किसान की कहानी है, ऐसे किसान के परिवार की कहानी है, जिनका कहना है कि उनकी जो ज़मीन है वो उनकी ज़मीन रोजी रोटी है, और यहाँ की भूमाफिया द्वारा उनकी ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा, और वो अपनी ज़मीन को जब नहीं देने की बात कर रहे तो भूमाफियाओं के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी भी सूरत पे उनकी ज़मीन ले लेंगे। जब उसने जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात की तो जिला प्रशासन के द्वारा भी उस किसान को कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं इस किसान की स्टोरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एंटी भूमाफिया स्क्वाड टीम भी बना दी। उन्होंने कहा कि जो ये एंटी स्क्वाड भूमाफिया जो टीम है, इन टीम के द्वारा सारे भूमाफियाओं पे रोक लगाम लगाई जाएगी, और ऐसा उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जो भूमाफियाओं का जो बढ़ता प्रकोप है उसको रोका जाएगा। लेकिन हम वास्तविकता के अगर धरातल पर देखें, वास्तविकता की बात करें, तो अभी भी भूमाफियाओं का जो प्रकोप है वैसा का वैसा ही है, और बेचारा किसान उन लोगों की प्रताड़ना से, उन लोगों की जो भी उनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं उससे हर दिन वो परेशान होता नज़र आ रहा है। कहने को तो सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है, किसानों को उनके हक की बात करती है, उनके हक को दिलाने की बात करती है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे जब हम आके देखते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें शून्य समझ में आती हैं। और भूमाफिया जो हैं वो कानून के नाक के नीचे से ज़मीनों पर कब्जा करने का खेल खेलते हैं, और जिला प्रशासन या यूँ बोले कि सरकार प्रशासन मात्र मूक दर्शक बनी हुई हमें नज़र आती है। अभी हमारे साथ भूमाफिया के मनमर्जी के शिकार ऐसे ही एक किसान हैं, अनिल जी। आइए हम इनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या, क्या समस्या है आपकी। मैडम, हमारा एक 1.5 बीघा के आसपास ज़मीन है, उसमें जो कि हम लोग अपना गेहूँ चावल होते हैं, साल भर का खर्चा चलता है, और उस पर नाइजरों की निगाह है। हमें अपनी ज़मीन नहीं दे रहा हूँ तो उसको बार बार हम लोग को फर्जी केस में फंसा दे रहे हैं, और इसी तरह हमें और मेरे पिताजी को फंसाएं। अब आगे हम लोग को दिक्कत है इसे, इसलिए बार बार कभी कुछ में फंसा के हमारी ज़मीनों को हम हताश और परेशान करके लेना चाहते हैं। हम लोग देना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग बार बार कहीं धमकी दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। ये वीरेंद्र सिंह मनाव के कनाइजर हैं, और हम लोग को एकदम परेशान कर चुके हैं। संतोष कुमार हमारे भाई हैं, संतोष कुमार पटेल और अजय कुमार मौर्या, ये सब मिल के हमको एकदम हताश और परेशान करके हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं। हम लोग देना ही नहीं चाहते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं, मेरे पिताजी हैं रिटायर हो चुके हैं, और हम लोग का खेती ही बाड़ी हमारा रोजी रोटी है, और उसी से हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, और हमारा कोई जरिया नहीं स्रोत का पैसा कमाने का। आपने इसकी शिकायत पुलिस को की, आपने बताया कि आपके साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं। जी मैम, मैं SSP साहब के यहाँ, अपर महानिदेशक, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, हर जगह मैंने लेटर जहाँ जहाँ वो चीज़ समझा हर जगह दिया, और हमारा कोई इंसाफ नहीं मिला, और हमें न्यायालय में जाना पड़ा, और दरोगा साहब ने भी उसमें चार्जशीट लगा दिया है, और प्रभाव होकर और CEO साहब ने उसमें साफ साफ लिख दिया, ना हम थे ना मेरे पिताजी थे, पापा हमारे कारखाने में ड्यूटी कर रहे थे उस समय, और मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था दीदी, उसके बाद भी उन्होंने चार्जशीट प्रभाव के लगा दिया है। कॉलोनाइजर के द्वारा किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है? कॉलोनाइजर के द्वारा इस तरीके से परेशान किया जा रहा है दीदी, यहाँ से लेके कब वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो रोड पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपने नहीं ज़मीन दोगे तो हताश, अगर हम ज़मीन नहीं दोगे
तो किसी न किसी तरह के फर्जी केस में फंसाएंगे आपको और हताश और परेशान करके आजीवन हम ज़मीन आपके लेके जाएंगे, दम लेंगे। और हम बार बार हमको टॉर्चर करते हैं। उनका लड़का एक बार कहा कि हम रोड पे मिलोगे तब पर भी हम तुमको देख लेंगे, एकदम धमकी के साथ बोल रहा है सर। उनका लड़का सत्यम प्रताप सिंह नाम है उसके लड़के का, वो भी हमको बार बार टॉर्चर करता रहता है। इधर की सारी ज़मीनों पे उनका कब्जा है कि मुख्य तौर से आपकी ही ज़मीन पे उनकी निगाह है? नहीं, इस पूरी ज़मीन तो सबकी ले चुके हैं मैडम, लेकिन अब इस समय हमारी ज़मीन बची हुई है। हमारी ज़मीन के पूरे एकदम चारों तरफ से बंधे हुए, हमारी ज़मीन यहाँ बची है, रास्ता बंद कर देते हैं, कहें हम नहीं आने देंगे, नहीं जाने देंगे, रास्ता भी दिक्कत करते हैं, जो कि हमारी 8 फीट के चौक रोड हर ज़मीन के पीछे है, 8 फीट की रोड हर मतलब ज़मीन के आगे है। उसके बाद कहते हैं हम ना प्लाट से आने देंगे, ना इधर से जाने देंगे, पूरी ट्रैक्टर रोक देते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, जाने एकदम परेशान कर दे रहे हैं। और वो हमेशा आए दिन धमकी हम दे रहे हैं कि तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, लेकिन हम मतलब कल भी गए थे ज्ञापन सौंपे वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, उसका रिसीविंग हमारे पास है, SSP साहब का रिसीविंग है, लेकिन सब आपने बताया कि आपने कई जगह एप्लीकेशन दिया हुआ है, SSP के यहाँ, जिले के कप्तान के यहाँ भी आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो उनका क्या रवैया रहा, उन्होंने क्या कहा इस बाबत? SSP साहब के यहाँ दिए तो SSP साहब के, मान लीजिए पुलिस ने गलती कर दिया तो आपको न्यायालय से न्याय, हम कहे सर आज हमको गलती कर रहे हैं तो बार बार ये पुलिस गलती कर रहे हैं, मतलब हम न्यायालय दौड़े हैं, मतलब आप लोग का कोई दायित्व नहीं बनता है। तो उन्होंने CO साहब के यहाँ बात की, अब आगे क्या हुआ, अब CO साहब के यहाँ गए तो CO साहब बोल रहे हैं कि ऐसा है कि चार्जशीट लग गया है तो हम चार्जशीट के खिलाफ नहीं जाएंगे, जांच से बड़ी विवेचना होती है। हम कह सर जांच है तो हम अगर गलत पाइए तो हमको फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन वो लोग एकदम कुछ नहीं सुने, एकदम कहेंगे नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, नया FIR भी लगाने के लिए बोले SSP साहब, तब पर भी नहीं लगा। आपकी क्या मांग है कि क्या क्या मांगे हैं कि जिससे आपको जो भी आपकी समस्या उसका समाधान हो सके? हमको हम ये चाहते हैं कि हमारा ज़मीन सेफ रहे, हमारे बच्चे उसी पे जीवन उसी से यापन हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमको कन्नाइजर से बार बार डर लगा हुआ है, हमको मेरे बच्चे मेरे पिताजी मेरे भाई हो लोग सेफ रहे हैं, हाँ मेरा परिवार उनसे एकदम हताश और परेशान हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं, कब हमारे साथ क्या हो जा रहा है, हो जाएगा, कोई हमारा ठीक नहीं है, ये इनसे हमेशा डर बना रहा है। अभी हमारे साथ पीड़ित के परिजन, आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? बनारसी लाल पटेल। आप क्या कहेंगे? सर हमको कन्नाइजर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार धमकी देते हैं कि तुम्हारे परिवार को उठवा ले जाएंगे और तुम्हारे पोतों को मरवा देंगे, हम बहुत दुखी हैं सर। आपने जैसे कि बताया उन्होंने जिला प्रशासन के पास गए, आपके प्रशासन से क्या मांगे हैं? प्रशासन से मैं यही मांगे कि हमारा परिवार और मेरी ज़मीन सेफ रहे। आपको किसी तरह का खतरा उनसे महसूस हो रहा है? जी हाँ, वो कभी भी हम लोग को कहीं रास्ते पड़े हमारे बच्चों को वो मरवा भी सकते हैं। इससे पहले वो आए हैं कभी उन्होंने आकर? हाँ, 1:30 बजे रात को करीब 5-6 साल पहले 4-5 आदमी बंदूक के साथ आए थे। कितने दिनों से वो परेशान कर रहे हैं आपको? वही 6-7 साल से सर। इधर बीच कभी परेशान किया होगा? इधर बीच 2017 में नहीं 17 के मई में से परेशान करना शुरू कर दिए हैं। और इधर बीच अगर कोई समस्या उनके द्वारा की गई हो? हाँ, हमारे बच्चों से बार बार, छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आते हैं, तो हमारा भतीजा है संतोष कुमार पटेल, वह बार बार ये पूछता कि तुम्हारे पापा कहाँ गए और तुम्हारा चाचा कहाँ गए, इसका मतलब कि हमको लगता है कि उससे मिला हुआ है, रिपोर्ट लेता रहता है। कॉलोनाइजर के द्वारा इधर बीच भी परेशान किया गया है? हाँ सर, उसका लड़का बार बार तड़ना देता है कि तुम कभी ना कभी ये ज़मीन हम लेके रहेंगे, चाहे जिस हालत में लेंगे। अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार था, उनका कहना था कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन प्रशासन द्वारा भी उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि कॉलोनाइजर के द्वारा उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा, कॉलोनाइजर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, और पीड़ित किसान के परिवार का यह कहना है कि यह ज़मीन उनकी रोजी रोटी है, इसी के द्वारा वो धन का अर्जन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि उनकी जो ज़मीन है वो उनके पास ही
की रहने दी जाए, उनकी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा ना हो सके। बड़े ताज्जुब की बात है कि हम कहते हैं कि हम भारत के ऐसे देश में रहते हैं जो किसान प्रधान देश है, हम इसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, और किसी प्रधान देश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए एंटी भूमाफिया टीम के गठन के बावजूद भी इस तरीके से किसानों के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है, ये काफ़ी सोचनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट अनंत कुमार के साथ मैं प्रतिमा तिवारी वाराणसी से हंगामा न्यूज के लिए।